मोस्ट वेलकम लर्निंग मार्केट विद कोहनूर ट्रेडर। दोस्तों आज हम सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेहतरीन सेटअप जिसका नाम है कोहनूर ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, तो टाइम फ्रेम हमारा जो 5 मिनट का रहेगा, बैंक निफ्टी का चार्ट है। दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं या आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है तो अभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रॉपर रूप से क्या सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, उसके बाद आपको इंट्राडे स्टॉक में सीखना है सेटअप के माध्यम से, और उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। यानी कि जो आपने पैसे अपनी मेहनत से या हार्ड वर्क करके जो अर्न किए हैं उससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो आपके प्रॉफिट का पैसा होता है इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे स्टॉक में, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने हाथ को आजमाना है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है, प्रॉफिट के पैसे को आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और आपकी जो मनी है जो आपने हार्ड वर्क करके पैसे को अर्न किया है वो आपका सेफ बना रहेगा। अगर ये थीम आपको अच्छी लगती है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल आल्सो। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी स्टडी के लिए जो है इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्ट को पोस्ट करता हूँ, जिससे आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 इंडिकेटर का उपयोग किया है। पहला है रेंज फिल्टर का जो इनपुट है वहाँ पर हमें क्या करना है, मूवमेंट सोर्स में जो रहेगा वो क्लोज का रहेगा। ठीक है, तो मूवमेंट सोर्स क्लोज करना है। रेंज साइज़ हमें क्या करनी है, 5 करनी है। रेंज साइज़ हमें 5 कर देना है। रेंज स्कैल्प में हमें क्या करना है, रेंज स्कैल्प में जाके हमें ये एब्सोल्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद रेंज पीरियड में हमें क्या करना है, 21 कर देना है। ठीक है, रेंज पीरियड में 21 करना है। स्मूथ रेंज को हमें क्या करना है, स्मूथ रेंज को टिक करना है। उसके बाद हमें स्मूथ पीरियड को हमें क्या करना है, 30 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ चेंज टू एवरेज यहाँ पे हमें 6 कर देना है। ठीक, 6 करना है। उसके बाद स्टाइल में जाना है, स्टाइल में सारी चीज़ों को टिक रहने देना है। यहाँ पे जो कलर 4 है इसको हमें क्या करना है, ब्लैक कलर का करना है। ठीक है, ब्लैक जब हम इसे ब्लैक कर देंगे तो ये ब्लैक जब कैंडल बनेगी तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक कैंडल हमेशा हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो उसके बाद हमें सारी लेवल्स और वैल्यू को अनटिक कर देना है। उसके बाद हमें इसको सेव कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। फिर हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है यूटी बॉट है, जो कि मेरा फेवरेट है और मेरे हर सेटअप में आपको यूटी बॉट ज़रूर मिलेगा। तो जिसकी की वैल्यू हमें क्या करनी है, 1.7 करना है। ATR पीरियड हमें 20 कर देना है। स्टाइल में जाना है, स्टाइल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये टिक करना है, बाई और सेल को भी टिक करना है। बार कलर अगर है तो बार कलर को हमें ऑफ़ कर देना है, लेबल और वैल्यू को भी हमें ऑफ़ कर देना है। इसके बाद हमें इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो इंडिकेटर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो हमारा डबल RSI है। ठीक, तो डबल RSI में इनपुट में हमें क्या करना है, 21 करना है। RSI 1 पीरियड को हमें क्या करना है, 21 करना है। RSI 2 पीरियड को हमें क्या करना है, 55 करना है। स्टाइल में आना है, स्टाइल में RSI जो सेकंड है वहाँ पे हमें चेंजेस करना है, उसको टिक करना है और ये ऑरेंज कलर हमें कर देना है। ठीक है, और लेबल और वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, अनटिक कर देना है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा सेटअप लग गया और इसको हमें यहाँ पे 3 डॉट बिंदु पे जाना है और उसके बाद हमें इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से ये पूरा जो सेटअप है वो हमारा सेव हो गया। अगर हम इस स्क्रीन से एग्जिट भी करते हैं तो भी ये हमारा सेटअप सेम बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं एक ग्लिम्स दिखाता हूँ कि इस सेटअप के माध्यम से आपको 4 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर 4 ट्रेड मिल रहा है तो उस दिन आप मार्केट साइडवेज होगी। अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में आपको 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको जो ट्रेडिंग करनी है 9:20 से लेके 3 बजे तक की ट्रेडिंग करनी है, यानी कि 3 बजे तक आपको एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री करना है, उससे ज़्यादा आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो केवल आपको 1 ट्रेड मिलेगा और वो फुल डे राइड करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 31 मई का चार्ट है। ठीक है, तो पहले मार्केट ओपन होती है तो सेलिंग का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे हमारी RSI भी रेड है, हमारा रेंज फिल्टर भी रेड है और यूटी बॉट की लाइन भी रेड है। तो तीनों जब रेड होंगे तो हमें पुट साइड में ट्रेड लेना है और हम एक देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें सेकेंड हाफ में एक बाई का सिग्नल मिला 1:25 पर, और जब हमारा RSI ग्रीन बन जाएगा और हमारा यूटी बॉट जो है ग्रीन है
और रेंज फिल्टर की लाइन भी हमारी ग्रीन है, तो वहाँ पे हमें कॉल में पोजीशन बनानी है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस तरह से हमें 31 तारीख को 2 ट्रेड मिले, ठीक है। अब हम 1 तारीख का देखते हैं, एक्सपायरी डे का देखते हैं, वहाँ से हमें किस प्रकार से एंट्री करनी है, कैसे हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कॉपी और पेन लेके आप लोग लिख लीजिए कि जो रूल है, बाइंग का रूल है वो क्या है, ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का रहेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि बाइंग के लिए हमें क्या करना है। अगर बाइंग के आता है तो हमारी क्या होनी चाहिए, RSI भी ग्रीन होनी चाहिए, यूटी बॉट की लाइन भी रेड होनी चाहिए, बाई का सिग्नल होना चाहिए और रेंज फिल्टर की लाइन भी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, तो हम बाई करेंगे। अगर हमारी रेंज फिल्टर की जो लाइन है वो रेड है, उसके बाद अगर हमारा यूटी बॉट सेलिंग का सिग्नल दे रहा है और हमारा RSI अगर रेड नहीं है, तो वहाँ पे उस ट्रेड को हम इग्नोर कर देंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। अगर लेंगे भी तो वहाँ पे हमें केवल स्कैल्पिंग का मूव मिलेगा, तो ऐसे ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। हमें क्लियर ट्रेड लेना, जब तक आप एक प्रॉफिट में नहीं आ जाते हैं तब तक आप क्लियर ट्रेड लेने हैं, स्कैल्पिंग का मूव छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए, जो टाइम फ्रेम हमारा रहेगा वो रहेगा 5 मिनट का। बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सेम बाई कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं तो सेम बाई कैंडल के लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हम पुट बाई कर रहे हैं तो सेम कैंडल के हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे कि मेरे सारे सेटअप में मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो सेटअप है वहाँ पे हमें क्या करना है, सेम बाई कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे स्टॉक में हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, एक स्कैल्पिंग हो, सभी जगह हमें क्या करना है, सेम बाई कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो रिस्क अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारा सही है तो हमें क्या करना है, हमें एक मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो हमने जो प्रॉफिट कमाया भी है, जो प्रॉफिट अर्न किया है, वो भी सारा हमारा लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई लो को हमें मार्क करना है, ठीक। जो हमारा 5 मिनट का कैंडल होगा उसके हाई को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, हाई को मार्क कर लेंगे और लो को मार्क कर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हाई ब्रेक होगा तो हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, लो ब्रेक होगा तो हम पुट साइड में बनाएंगे। मार्केट ओपन होती है तो हमारा यूटी बॉट हमें सेलिंग का सिग्नल देता है, तो एक साइड का हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया, यानी कि हम कॉल साइड में ट्रेड नहीं बना सकते हैं जब तक कि यूटी बॉट की लाइन ग्रीन नहीं होगी, बाई का सिग्नल नहीं देगा। तो हमें केवल किस साइड का ट्रेड लेना है, पुट साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, 5 मिनट की जो पहली कैंडल होती है, फर्स्ट 5 मिनट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ प्रीमियम का एडजस्टमेंट होता है, और जो अगर हम चाहे कॉल बाई करें चाहे पुट बाई करें, वहाँ पे बहुत तेज़ी से पैसा जो है हमारा प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटता है, जिससे कि हमारा काफ़ी लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट 5 मिनट हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, फर्स्ट 5 मिनट के बाद जिस तरफ भी हमें ट्रेड मिलेगा वहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हमने हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, अब हमें ट्रेड किस तरफ मिल सकता है, ट्रेड हमें डाउन साइड में मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कैंडल क्या है, रेड बनी हुई है, ठीक है, क्लियर रेड है। तो यहाँ पे हमें क्या है, डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। तो डाउन साइड का ट्रेड के लिए, फर्स्ट ट्रेड को पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रेड कैंडल है तो रेड कैंडल की बॉडी के लो के पास हम लगा देंगे, जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, 5 मिनट का जो बॉडी होगा उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों फिर से नोट कर लीजिएगा कॉपी और पेन लेके, यानी कि 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के हाई लो को हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई लो को मार्क कर लिया, अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो हमें कॉल साइड में ट्रेड लेना है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड है तो हमें पुट साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब हमें ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है, अब बॉडी के हाई लो को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। कैंडल हमारा फर्स्ट कैंडल क्या है, रेड है, तो हमें पुट साइड का ट्रेड मिलेगा, हमें कंफर्म हो गया है। तो जैसे नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है उसकी बॉडी के नीचे ब्रेक करती है, हम ट्रेड लेंगे और हमारा हाई, बॉडी का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि हमें कब ट्रेड लेना था, ट्रेड हमें लेना था 44,190 के नीचे हमें ट्रेड लेना है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 42,230 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि लगभग 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम का स्कैल्पिंग का होगा, तो जब हम स्कैल्पिंग का सीखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ हमें ये बहुत ही अच्छा ट्रेड देगा। लेकिन अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ये 5 मिनट की कैंडल क्लियर होगी तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। जैसे ही ये दो कैंडल रेड बनती हैं, आपको जो पहला प्रॉफिट है दो या तीन कैंडल का जो भी मिलता है, आपको कम से कम दो कैंडल का प्रॉफिट लेके निकल लेना है। यानी कि पहला प्रॉफिट आपको 70 से 80 पॉइंट देखना है कि अगर मिल जाता है तो आप वहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। फिर हमें क्या करना, फुल डे उसी प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करना है, हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट 18,190 के आसपास से नीचे जाती है और कितना आती है 18,100 के पास। यानी कि हमारा जो पहला टारगेट होगा प्रॉफिट बुकिंग का वो होगा 60 to 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में। निफ्टी में क्या होगा 30 से 40 पॉइंट का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, हमें 60 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। अगर पहला ट्रेड हमने लिया है 60 पॉइंट मिल गया है तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोचना चाहिए। कोई भी कैंडल जैसे ही रिवर्स करती है हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पहला टारगेट हमारा होगा 60 पॉइंट का कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 60 पॉइंट से ज़्यादा मिला और जैसे हम 60 पॉइंट के पास जाएंगे वो तुरंत हमें अलर्ट हो जाएंगे और अपना पहला प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमें कब लेना है, दूसरा ट्रेड हमें तब लेना है जैसे ये ग्रीन बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारी RSI क्या है, ग्रीन है। ठीक है, यूटी बॉट ने भी बाई का सिग्नल दिया है ऊपर और यहाँ पर हमारी ये जैसे ही कैंडल ऊपर जाती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम ये पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं ले पाए हैं तो हमें फिर वेट करनी है एक ये हेल्ड कैंडल का, यानी कि जो रेड कैंडल होगी विथ डिफरेंट कलर। यानी कि जब इस कैंडल पे हमें क्या करना है, इस कैंडल के लो को हमें मार करना है। ठीक है, तो अब हमारा अगर हमने सेकंड ट्रेड लिया है तो सेकंड ट्रेड में जैसे ये कैंडल ऊपर गया, अगर हम यहाँ पर ट्रेड नीचे से नहीं ले पाए हैं तो हमें क्या करना, वेट करना है जैसे एक डिफरेंट कलर की कैंडल बनेगी उसके लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और हमें ये देखना है कि यूटी बॉट हमें बाई का सिग्नल दिया हुआ है और रेंज फिल्टर की लाइन जो है वो हमारी ग्रीन हो गई है, तो इसी लो का हमें स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड लेंगे और कैंडल बाई कैंडल अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है वहाँ पर हमें फास्ट प्रीमियम जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए हम कैंडल बाई कैंडल अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हमें इस कैंडल पर ट्रेड लेना है, 9:45 की कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 9:40 की कैंडल का लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बनती है हमें अपनी स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेल करके कहाँ पर ले आना है, ये 9:45 की कैंडल के नीचे। यानी कि अब हमें सेकेंड कैंडल में 9:50 की कैंडल होगी वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 9:45 की कैंडल। अगर 9:45 की कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है नेक्स्ट कैंडल ये डिफरेंट कलर की बनती है और इस डिफरेंट कलर की कैंडल का क्या होता है, लो ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ पर अपना जो भी प्रॉफिट मिल रहा है या नेट टू नेट में अपना ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक, फिर से मार्केट क्या होती है, फिर नीचे आती है, फिर से जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी आपको इसी ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़ आप एक कॉपी में और लिख लीजिए कि अगर हमारी RSI ग्रीन है, यूटी बॉट की लाइन हमारी ग्रीन है तो हमें कभी भी पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना। ये जो पुट साइड का ट्रेड आ रहे हैं यहाँ पे आप फंसाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बायर का केवल स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे यहाँ पर 5 कैंडलें नीचे आई है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी ये सारा जो है मोमेंटम चला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है, वेट ये करना है जैसे ये ब्लैक कलर की कैंडल बनी। ठीक है, आपका ब्लैक कलर की कैंडल क्या साइन देती है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी यूटी बॉट की लाइन ग्रीन है तो हमें केवल स्कैल्पिंग का ही मूव मिलेगा। जो हमारी ये ब्लैक कलर की कैंडल है उसके हाई लो को हम मार कर लेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता तो हमें एक फास्ट मोमेंटम अपसाइड का ट्रेड के लिए मिलता, क्योंकि हमारी RSI भी ग्रीन है, यूटी बॉट भी ग्रीन है। अगर इस ब्लैक कैंडल का हाई ब्रेक होता तो हमें अपसाइड में 100 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ज़रूर मिलता। ठीक है, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ तो लो ब्रेक होने पे हमारा इसका क्या है कि जितनी भी ये रेड कैंडल बनेंगी हमें केवल स्कैल्पिंग का मूव मिलेगा, 30 से 40 पॉइंट 20 से 30 पॉइंट निफ्टी में मिलेगा और 30 से 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट 18,225 से कहाँ तक आती है, 18,188 यानी कि लगभग 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एक मोमेंटम स्कैल्पिंग का मिला है। ठीक है, तो इस ये सारे ट्रेड को हम इग्नोर करेंगे। अगर मार्केट बार बार रेड बना रही है तो ये सब साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे हम वेट करते रहेंगे। यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या दिया, नीचे यूटी बॉट के जब दोस्तों कॉपी और पेन लेके आप लोग एक चीज़ और लिख लीजिए, जब भी मार्केट अपनी यूटी बॉट के आसपास आएगी और वहाँ पे अगर आपको जैसे ये ब्लैक कैंडल मिल गया
तो आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, आपको ब्लैक कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और ब्लैक कैंडल के बाद जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनेगी इसी ग्रीन कैंडल पे आपको बाई करना है, ठीक है। और आपको जो सबसे कम स्टॉप लॉस आएगा ये ब्लैक कैंडल का बॉडी, ठीक है, ब्लैक कैंडल की बॉडी को आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी आपको जो है ऑप्शन में अपना पोजीशन बना लेना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या है, 44,207 का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी आपको एंट्री कर लेना है, यानी कि 10-15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग का अच्छा मूव देखने को मिलेगा अगर मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जब तक हमारी रेंज फिल्टर की लाइन ग्रीन है, RSI की लाइन ग्रीन है, यूटी बोर्ड की लाइन ग्रीन है, तो हमें अपसाइड का ट्रेड में बने रहना है। और जैसे ये कैंडल बनी, अगर ये ब्लैक कैंडल बनने लगी तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डे का दिन था, आपको एक ब्लैक कैंडल मिली अपसाइड में, ठीक है, आपको ब्लैक कैंडल, एक कैंडल ये ब्लैक कैंडल मिली, ठीक, और ये एक ब्लैक कैंडल मिली। अब इस ब्लैक कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता तो अपसाइड मार्केट आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता। इस ब्लैक कैंडल का लो जब ब्रेक होगा तो भी आपको 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, निफ्टी में आपको 40 से 50-60 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने देखा फिर से एक ब्लैक कैंडल बनी। अब ये ब्लैक कैंडल के अंदर एक NR4 रेंज बन गई है, ठीक है, यानी कि एक कैंडल 2, 3, 4, 5, 6 NR4 बन गया है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे NR4 बन गया। और यहाँ पे एक ये ब्लैक कैंडल बनी है और आप इस ब्लैक कैंडल को देख सकते हैं, ये क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी शूटिंग स्टार कैंडल यानी कि जो ब्लैक कैंडल बनी है इसी कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ही आपका ये यूटी बॉट सेलिंग का सिग्नल देता है, ये हमारी क्या है, जब ये रेड कैंडल बनती है तो इसका सिंबल ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये रेड कैंडल बनती है आपको तुरंत बाई करना है, सेम रनिंग कैंडल में आपको बाई करना है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पहले से आपको पता है, ब्लैक कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही आपने बाई किया आपको आपका स्टॉप लॉस क्या है, 42,270 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। आपको बाई कहाँ करना है, 42,250 के नीचे आपको बाई करना है, यानी कि 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही ये कैंडल 2 से 3 मिनट हो जाती है आपको क्या करना है, नेट टू नेट में आ जाना है, यानी कि अब आपको अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे ट्रेल कर देना है, जैसे ही कैंडल फिनिश होती है, ख़त्म होती है, आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है 44,251 पे, यानी कि अब आपको नेट टू नेट में निकलना है, आपको मार्केट को अपना पैसा बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, दो कैंडल फास्ट मोमेंटम नीचे डाउन साइड का आता है। फिर दोस्तों कॉपी और पेन लेके फिर से लिख लीजिए, जब भी मार्केट को तेज़ी से गिरना होता है उसके बाद मार्केट 2 या 3 कैंडल हल्ट करती है। ये जैसे ये जो ब्राउन कलर का कैंडल है, जब तक आपका ये पिछली 1:50 की जो कैंडल है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ है। आप नेक्स्ट कैंडल में आपको क्या करना, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लाना है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को कैंडल बाई कैंडल ट्रेल करते रहना है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, रेंज फिल्टर की ये जो रेड लाइन है, जब ये ग्रीन बनेगी तभी आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे आपकी RSI भी रेड है, यूटी बॉट की लाइन भी रेड है, और आपकी रेंज फिल्टर की लाइन रेड है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी डे में आपको कितना मोमेंटम अच्छा खासा मिला है, ठीक है। अब जो भी ये ब्राउन कलर की कैंडल बनेगी, तो जब भी मार्केट नीचे आएगी तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये ब्राउन कलर की कैंडल को कर देना है, ठीक है। यानी कि ब्राउन कलर की कैंडल को जब भी मार्केट टच करेगी वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। फिर से एक ब्राउन कलर की कैंडल बनती है, उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पर ब्राउन कलर की कैंडल बनती है लेकिन ऊपर गई नहीं, क्लोजिंग नहीं दी, फिर से मार्केट नीचे आती है और आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को शाम तक मिलता है, ठीक है। तो इस सेटअप के माध्यम से आपको केवल 3 से 4 ट्रेड मिलेगा, इससे ज़्यादा ट्रेड मिलने वाला नहीं है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको केवल 1 या 2 ट्रेड मिलेगा, अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको 3 से 4 ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई 9:15 पे 2 तारीख को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैंडल के हाई लो को हमें क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हमें ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, कैंडल की बॉडी के हाई लो को मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रेंज फिल्टर ग्रीन है, यूटी बॉर्ड ग्रीन है, RSI की लाइन ग्रीन है, तो हमें कहाँ का ट्रेड मिलेगा, सबसे पहले हमें ट्रेड मिलेगा अपसाइड का। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल इनसाइड बनती हैं, मार्केट ने अपसाइड को ब्रेक नहीं किया तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
5 मिनट की कैंडल की बॉडी का हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला हमें वेट करना है। ये कंफर्मेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिग्नल कैंडल हो गया। ठीक है, पहला ट्रेड लेना है तो हमें ये हमारे लिए सिग्नल कैंडल हो गया। इसी कैंडल के हाई को हमें मार्क करना है और इसी कैंडल के लो को हमें मार्क करना है। तो हाई इसका कैंडल का क्या है, यहाँ पर हमें 44,116 के स्टॉप लॉस के साथ, जब ये नेक्स्ट कैंडल में अगर 44,056 को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे और इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। जैसे ये कैंडल को 2-3 मिनट बीत जाता है उसके बाद हमें अपनी स्टॉप लॉस को, कैंडल ख़त्म होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमें कहाँ पे लाना है, इस कैंडल के 44,087 के आसपास। यानी कि अब इस ट्रेड में हमें लॉस बिल्कुल नहीं लेना है, यानी कि हम लेंगे तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस नहीं लेंगे। तो यानी कि अगर मार्केट रिवर्स करती है यहाँ से तो हम नेट टू नेट में निकल जाएंगे। यहाँ पर हमारी RSI रेट है, रेंज फिल्टर की लाइन रेट है, यूटी बॉट रेट है, तो हमें बने रहना है। अब हमें वेट करना है। जैसे यहाँ पर ये हमारी रेंज फिल्टर की लाइन क्या हो गई, ग्रीन बन गई, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो निकलने का सबसे सही तरीका यही है कि रेंज फिल्टर की लाइन जब तक रेड है तब तक हम बने रहेंगे। रेंज फिल्टर की लाइन जहाँ पे ग्रीन बनती है वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। टाइम फ्रेम हमें क्या देखना है, 5 मिनट का देखना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हम करना चाहते हैं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिला, यहाँ पर हमारी रेंज फिल्टर की लाइन ग्रीन हो गई है तो हमें अपने पुट साइड के ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। फिर से हमें देखना, वेट करना है, हमारी RSI क्या होती है, ग्रीन बन जाती है। RSI भी ग्रीन है, रेंज फिल्टर की लाइन भी ग्रीन है, यूटी बॉट ने बाई का सिग्नल दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो ये रनिंग कैंडल है इसी पे हमें ट्रेड ले लेना है। ठीक है, इसी पे हमें ट्रेड लेना है। यानी कि यहाँ पर एक ये डिफरेंट कलर की कैंडल बनी, ठीक है, ये डिफरेंट, ये रेड कलर की कैंडल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रेंज फिल्टर के, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, रेंज फिल्टर के अगर हम कलर बार को ऑफ़ कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, रेड कैंडल है। ये हमारी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, यानी कि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम बाई कर लेंगे और उसके बाद हमें प्रॉफिट का बुक करना है। तो यहाँ पर हम बार कलर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो इस रेड कैंडल का लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। नेक्स्ट कैंडल पर हम बाई करेंगे और यहाँ पे अगर हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब तक ये दो कैंडल ग्रीन बनती है, ये डिफरेंट कलर की ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें क्या करना, वेट करना है। ठीक है, अब अगर हम वेट करते हैं तो मार्केट धीरे 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 क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। अब जब तक आपकी ये रेंज फिल्टर की लाइन रेड नहीं बनती है तब तक आपको अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करना है। RSI ग्रीन है, यूटी बॉट की लाइन भी ग्रीन है, रेंज फिल्टर की लाइन भी ग्रीन है, तो आपको क्या करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई अगर ब्लैक कलर की कैंडल बनती है तो ब्लैक कलर की कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक कलर की कैंडल बनी तो वहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अप ब्रेक होगा तो अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, डाउन ब्रेक होगा तो डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, फिर से यूटी बॉट के पास आती है और फिर से ये ग्रीन कैंडल बनाती है, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये ब्लैक कलर की कैंडल बनी, यहाँ पर मार्केट ने हल्ट किया, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल कितने ट्रेड मिले हैं, यहाँ पे एक ट्रेड मिला और निकलने का आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये रेड कलर का कैंडल बन गया, ठीक है, डिफरेंट रेड कलर का कैंडल बन गया, इसका सिंबल है कि मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो हमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और फिर से यहाँ पर हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमारी RSI भी जो है 50 के नीचे चली आई है, RSI रेड बन गई है, तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद ये हमारा सेलिंग का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे हम पुट को बाई करेंगे। पहला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जिस इसी कैंडल पे, रनिंग कैंडल पे अगर हम बाई कर रहे हैं तो इसी कैंडल का हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कैंडल का हाई का हमें स्टॉप लॉस लगाना है और नेक्स्ट कैंडल के बाद हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो 150 रुपये प्रॉफिट लेके ही जाएंगे, लॉस लेके नहीं जाएंगे। यानी कि एक कैंडल अगर ख़त्म हो गया, एंड हो गया उसका, तो नेक्स्ट कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, फिर से वहाँ पे हम बने रहेंगे। यहाँ पे 3-4 कैंडलों का मोमेंटम मिलता है, उसके बाद मार्केट एक ब्राउन कलर का कैंडल बनाती है, तो जो ब्राउन कलर की कैंडल बनेगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा या रेंज फिल्टर की लाइन ग्रीन बनेगी तो वहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से क्या बनती है, एक ब्लैक कलर की कैंडल बनती है, ब्लैक कैंडल का अगर लो ब्रेक होता तो डाउन साइड का हमें एक अच्छा फिर मोमेंटम मिलता है, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया। और यहाँ पे फिर से हम देखते हैं हमारी RSI भी ग्रीन बन गई है और हमें यूटी बॉट ने बाई का सिग्नल दिया है, तो यहाँ पे भी हम 3 कैंडलों का हमें प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि 3 बजे के बाद हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमें 2 तारीख को कितने ट्रेड मिले हैं, एक ट्रेड, ठीक है, ये 2 ट्रेड हमें मिला, 2 ट्रेड, ठीक है, फिर ये हमारा 3रा ट्रेड हो गया और ये हमारा 4था ट्रेड हो गया। यानी कि जब भी मार्केट साइडवेज रहेगी तो हमें टोटल कितने ट्रेड मिलेंगे, 4 ट्रेड मिलेंगे, 4 या 5 ट्रेड मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेटअप अच्छा लगे, बाकी आप लोग 1 महीने का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैंने 2 दिन की टेस्टिंग करके आप सबको बता दिया है कि किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है, किस प्रकार से सेटअप को लगाना है। एक बार फिर से बता देते हैं कि इसका जो रूल और रेगुलेशन है वो ये है कि हमें टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का यूज़ करना है। बेस्ट टाइम फ्रेम इसका 5 मिनट का ही है, 5 मिनट पर बहुत ही अच्छा काम करता है और आपको अच्छे ट्रेड देगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये आपको 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं देगा। सेम बाई कैंडल का अगर पुट साइड का ट्रेड लेना है तो सेम बाई कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और नेक्स्ट कैंडल में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। यानी कि अगर दूसरा भी रेड कैंडल बनता है तो फिर वहाँ पे हमें नेट टू नेट में निकलना है, लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।